केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में अपमानित किया गया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि वे किसी पद की दौड़ में नहीं हैं। चैनल टाइम्स नाउ के इंडिया इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे किसी पद की लालसा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नहीं आए थे। उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें बार बार अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। जब बात एक सीमा से बाहर चली गई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उनका उद्देश्य केवल जनता की सेवा करना है। सिंधिया ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया हमेशा एक बात कहते थे, जीवन का उद्देश्य राजनीति करना या कोई पद हासिल करना नहीं होना चाहिए, जीवन का एकमात्र लक्ष्य जन कल्याण होना चाहिए।